शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुरु को हम क्या उपहार दें या गुरु खुद एक उपहार है। समझ का फेर है कि गुरु को आप क्या समझते हैं। गुरु जो है, हमारे हिसाब से गुरु खुद एक उपहार है। जीवन में सच्चे गुरु को पाना और उन्हें पहचानना सचमुच में एक बड़ा उपहार है। नो डाउट, हम गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं, तो गुरु दक्षिणा में क्या? देखिए, आज की डेट में तो हम नहीं बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल अलग लेवल की बात कर रहे हैं। आज हम गुरु को पैसे देते हैं, उपहार देते हैं, पर अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, श्री कृष्ण के युग में चले जाएं, या उसके बाद भी आज से 100 साल पीछे चले जाएं, 150 साल पीछे चले जाएं, तो वास्तविक गुरु दक्षिणा, वास्तविक गुरु दक्षिणा गुरु का निस्वार्थ सेवा है। और जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कृष्ण और कुचेला दोनों गुरुकुल के दिनों में प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कई अविस्मरणीय घटनाओं से रूबरू होते हैं। तो आप सिर्फ उसको पढ़िएगा। अभी ईश्वर की दया से हमें ये मनुष्य शरीर तो मिल जाता है, लेकिन इस मानव शरीर का सदुपयोग करना हमें केवल सच्चे गुरु ही सिखा सकते हैं। आज आप कॉलेज में भी जाते हैं तो वहां पे अपने बुद्धि का विकास, अपने बुद्धि का सदुपयोग कैसे करना है, एक सच्चा गुरु ही बताएगा। जहां पे आप अपनी लाइफ को संवारते हो, अच्छे पोस्ट पे जाते हो, अच्छी नौकरी करते हो अपनी क्षमताओं के हिसाब से, तो जीवन में यदि सच्चे गुरु का साथ ना हो तो जीवन अज्ञान के अंधकार से भर सकता है, जिसमें पढ़कर मनुष्य को तरह तरह के भ्रम होते रहते हैं और अपने जीवन को नहीं समझ पाता है, ना खुद को पहचान पाता है, जिसके कारण दुनिया के बताए मार्ग पर चलने लगता है और ठोकरे खाता रहता है, दुखी भी होता रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण की तरफ जाते हो तो वहां पे अविस्मरणीय घटनाओं से अब रूबरू होते हैं। अब एक बार की बात है, जब कुचेला और भगवान श्री कृष्ण जंगल से ईंधन इकट्ठा करने गए थे, किसके लिए? गुरु की पत्नी के लिए। तो जंगल में गहरे भटक गए थे, लुप्त हो गए थे। इसके अलावा धूल भरी आंधी आई, जिसके बाद बारिश, गरज और बिजली भी गिरी। तो उस स्थिति में कृष्ण याद करते हैं कि कैसे वे दोनों सुरक्षा के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और न जाने क्या क्या होता है, और पूरी रात जंगल में बीत जाती है। सुबह दूसरे लोग तलाश करने के लिए आते हैं, गुरु भी आते हैं और सब उनके धीरज और साहस की प्रशंसा करते हैं। इससे भी अधिक, गुरु ने निस्वार्थ सेवा की, उनकी भावना की सराहना की। तो यहां पे क्या है? निस्वार्थ सेवा। तो गुरु ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ आशीर्वाद दिया जो उनके जीवन में हमेशा उनकी मदद करेंगे। हम गुरु को क्या उपहार देंगे? बस निस्वार्थ सेवा ही बहुत होता है। तो गुरु की कृपा और आशीर्वाद हर छात्र को आजीवन खुशी और मन की शांति सुनिश्चित करेगा। जो भी जीवन की स्थिति हो सकती है, उसे बाद के जीवन में रखा जा सकता है। तो अपने शिष्य को गुरु का सबसे बड़ा उपहार ज्ञान मार्ग है। हम गुरु को क्या देंगे? अब जब जीवन में सच्चे गुरु साथ मिल जाते हैं तो जीवन से सारा अंधकार ही मिट जाता है, क्योंकि गुरु हमें सत्य का ज्ञान कराते हैं और हमें खुद को पहचानने की प्रेरणा देते हैं। आप पहचानोगे तभी तो आप जॉब सेलेक्ट करो कि आप में क्षमताएं क्या है। गुरु ही आपकी क्षमता बता सकता है। वे हमें बताते हैं कि संसार में पढ़कर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सद्मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी करने की जरूरत है। यही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। सच्चे गुरु को पाकर जब हम उस सत्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो जीवन सचमुच में आनंददायक हो जाता है, संसार की सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती है।
आज भी आप देखोगे, जब आप बिल्कुल अपने गुरु को फॉलो करते हो, गुरु ने दिया, आपको पहचान लिया कि आपको किस जॉब में जाना है, तो आपकी जीवन संवर जाती है। किसी के लिए मन में कोई द्वेष भाव नहीं रह जाता, हर किसी के लिए प्रेम का भाव जागृत होता है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। तो इस तरह संसार में रहकर स्वर्ग की अनुभूति होती है। तो वास्तविक जो गुरु का जो आशीर्वाद होता है, सबसे बड़ा जो उपहार होता है, वो तो ज्ञान मार्ग, जिसके द्वारा व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष की यात्रा की तरफ जा सकता है। वास्तविक गुरु दक्षिणा गुरु की निस्वार्थ सेवा ही है। यह स्वचालित रूप से जीवन में अन्न प्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस तरह संसार में रहकर हम गुरु को उपहार दें तो सिर्फ निस्वार्थ सेवा, पर गुरु जो हमें देता है वो हमें मोक्ष का रास्ता दिखा देते हैं, आनंद का रास्ता दिखा देते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।